अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। कैसे हैं? अच्छे रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान या मुसलमान होकर हको हमें हमारे ज़िंदगी में काश ऐसा होगा ना, अगर ऐसा करे नहीं रहे तो वैसा होता था। कतसो बट्टा रिफ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो एक मौत हो, एक बिजनेस लॉस हो, मियां बीबी के अंदर एक झगड़ा हो, कोसी बात में भी हम है नहीं ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये बट्टा रिफ का इस्तेमाल करे तो ये है नहीं शैतान का दरवाज़ा का शैतान का अमल का दरवाज़ा खुल जाता है। हमें ये कार में चढ़े नहीं रहे तो काश ये कार में चढ़े नहीं रहे तो अगर अभी एक कार में हमें चढ़ गए रहे तो हमारा एक्सीडेंट होता नहीं था। काश मेरी बच्ची को ये रिश्ता नहीं सो, अगर वो रिश्ता में जमाई रही तो डाइवर्स तक जाता नहीं था। काश इसका प्लान में सुनने में च मैं हमारा जॉब लॉस हुआ, बिजनेस लॉस हुआ। इफ़ और बट का इस्तेमाल हमें करने करते उसमें हम ना है नहीं शैतान का अमल से हमें दिल में अल्लाह का भरोसा नहीं से होता, बदगुमानी मायूस दूसरे डिप्रेशन कर बोल को हो जाते हैं। हम ये है नहीं मुनाफिकीन का फितरत है। हमें ईमानिया इख्लास के साथ जीने वाले मुसलमान होकर है तो हमें हर वक्त भी क्या हमारा प्रॉब्लम रहा तो बराबर अच्छा की हो बुरा हो हम ना क्या रहा तो भी तकदीर अल्लाह के तकदीर से चलता कर बोल को हमें अपनाना। वैसा चे माशा फ़ाला अल्लाह कोसा चाहता वो देता कहते उसमें हमें भरोसा रखना। उसके लिए हमें बट्टीफ का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु।